दोस्तों, जो आखिरी के जो मैंने आपको 12 मैच अपने चैनल को कवर करके आपको दिए हैं, उसमें से 10 मैच मैंने आपको क्लीन स्वीप कराए हुए हैं। यानी कि अभी इस समय हम काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे हैं। और इससे पहले जब मैंने आपको अफगानिस्तान के आखिरी के 3 मैच जो कवर किए हैं, सॉरी 6 मैच मान करके चलो, उसमें से 4 मैच मैंने आपको ईजिली जिताए हुए हैं। तो अफगानिस्तान की टीम के मैचेस मुझे काफ़ी पसंद है ये वाले मैच में, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ से कोहली भी नहीं खेलने वाला और अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान भी नहीं खेलने वाला। तो ये दो बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहला जो मैं अपना रिस्क लूंगा वो लूंगा आवेश खान के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो मैच हो रहा है ना, ये अपने ही भारत देश में हो रहा है, मोहाली में हो रहा है। यानी कि अपने भारत के बॉलर्स यहाँ पे कमाल की बॉल करके देंगे और ये तो कन्फर्म है कि अपने भारत की टीम ही ये मैच जीतने वाली है। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की टीम को देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर जरूर है, और मेनली इनका बॉलिंग जो है उस इस समय इतना कोई मजबूत भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैच जो है ना, अपने भारत के भी सारे नए बल्लेबाज खेल रहे हैं, सिर्फ रोहित शर्मा के अलावा कोई भी पुराना प्लेयर इस समय खेल ही नहीं रहा है। तो मेनली मैं आपको कहूंगा कि रोहित शर्मा ही सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है। तो रोहित शर्मा यहाँ पे खेलने वाला है, जो कि बल्लेबाजी में ओपनर आएगा। पहले से कन्फर्म हो चुका राहुल द्रविड़, जो कि अपने भारत का कोच है, रोहित शर्मा और यहाँ से यशस्वी जायसवाल, ये दोनों जो है बल्लेबाजी में ओपनर आने का ये पहले ही से डिक्लेयर हो चुका है। नंबर 3 पे आपको नजर आएगा यहाँ से सुमन गिल, और नंबर 4 पे आपको नजर आएगा यहाँ से तिलक वर्मा, और फिर आपको वह नंबर 5 पे यहाँ से नजर आएगा, यहाँ से संजू सैमसन हो गया। नंबर 6 पे आपको नजर आएगा रिंकू सिंह का आपने नाम सुना ही होगा। रिंकू सिंह के अलावा फिर आपको यहाँ से नंबर 7 पे नजर आएगा अक्षर पटेल। उसके बाद अपने 4 भारत के बॉलर्स रहेंगे, जैसे कि हर्षदीप सिंह हो गया, कुलदीप यादव हो गया, मुकेश कुमार हो गया और आवेश खान हो गया। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 अपने भारत की टीम की रहनी चाहिए और यही रहेगी भी। इसमें एक ही चेंज हो सकता है कि संजू सैमसन को ना खिला करके ये लोग जितेश शर्मा को खिला सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको मेनली कहना चाहूँगा कि अगर अपने भारत की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहाँ पर आप रिंकू सिंह के ऊपर भरोसा करना क्यों? क्योंकि सुमन गिल जो प्लेयर है नंबर 3 पे आएगा और ये मेनली ओपनर आपको मालूम होगा, तो नंबर 3 पे कैसी बल्लेबाजी कर पाएगा ये जरूरी नहीं है। अभी जो हालिया दिन में साउथ अफ्रीका खिलाफ जो टेस्ट मैचेस हुए, वहां पर सुमन गिल फ्लॉप हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर 3 पे आ रहा था और नंबर 3 पे कोई इतना गजब का प्लेयर है नहीं। तो यही रीजन है कि मैं आपको मेनली कहूंगा कि ये तो आपको मालूम होगा कि रोहित शर्मा, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी हारे हुए हैं और रोहित शर्मा जो है काफी समय बाद भी खेलने आ रहा है, और रोहित शर्मा जो है मेनली तेजी से रन बनाने की कोशिश करेगा। मालूम है सामने कमजोर टीम है, अगर एक थोड़ी सी मुश्किल बॉल, चाहे वो फसल फुरूकी की हो, चाहे वो नवीन उलहक की हो, एक मुश्किल इन स्विंग बॉल और वहां पे रोहित शर्मा का काम खराब हो सकता है। और कहीं अगर रोहित शर्मा फ्लॉप हो रहा है तो सुमन गिल, जो कि नंबर 3 पे आएगा, कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है। यशस्वी जायसवाल जो कि यंग प्लेयर है, तो चांस ये है। और तिलक वर्मा जो कि नंबर 4 पे आएगा, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, पूरी तरीके से नर्वस है। अगर आप इसके आखिरी के 20 मैचेस का एनालिसिस चेक करोगे तो 20 में से करीब 16 से लेकर के 19 मैच में ये फ्लॉप हुआ है। तो तिलक वर्मा बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रहा है। अभी जो हालिया दिन में जितने भी मैच खेला, सब में मुझे नर्वस नजर आया, और हर मैच में मैं आपसे यही कहता हूं कि तिलक वर्मा को लेकर के नहीं चलूंगा। ये नहीं है कि खराब प्लेयर है, ये है कि एक बार भरोसा वापस आ जाए ना, जो नर्वसनेस है वो वापस आ जाए, वहां पर कमाल की बल्लेबाजी कर सकता है। अभी के लिए मैं आपको लेकर के नहीं चलूंगा। यही रीजन है कि मुझे लग रहा है कि सुमन गिल नंबर 3 पे आएगा, वो भी फ्लॉप हो सकता है। नंबर 4 पे तिलक वर्मा को भरोसा नहीं है। रोहित शर्मा क्योंकि ऐसे ही मतलब एडवांस में लेकर के चलेगा, हो सकता है कि फ्लॉप भी हो जाए। यशस्वी जायसवाल क्योंकि यंग प्लेयर है, तो ये जो 4 प्लेयर है ना शुरू के अपने भारत के, इनमें से लक ये रहा है कि कन्फर्म है कि कोई 2 फ्लॉप होगा। तो यही रीजन है कि रिंकू सिंह की बल्लेबाजी आएगी ही आएगी। और अगर कहीं रिंकू सिंह नंबर 5 पे आ रहा है तो ये आपके लिए एक ऐसा प्लेयर रहेगा जिसको कोई ले या ना ले, आपको लेकर के चलना है। क्योंकि रिंकू सिंह ये वाले मैच में आपको जिताने का पूरा कोशिश करने वाला है। यशस्वी जायसवाल क्योंकि अपने भारत देश में मैच हो रहा है, सामने कमजोर टीम है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में मैंने इसको पूरी तरीके से इग्नोर करने को बोला, वहां पे फ्लॉप भी हुआ, लेकिन यहां पर सामने कमजोर टीम भी, अपने भारत में मैच हो रहा है, तो यहां पे आपको पूरी तरीके से फोकस के साथ खेलेगा, यहां पर कोई भी नर्वसनेस नहीं होगा। और ये भी रोहित शर्मा की तरह तेजी से रन बनाने ही जाएगा,
अगर एक बार फॉर्म में ये टच में आ गया तो इसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि टॉस होने के बाद अगर आप इस मैच में मेरे खुद की फैंटेसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी है, आसान और एकदम फ्री रहने वाला है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि आपके पास लिंक भेज दूंगा। आगे नाला बीबीएल मैच हो गया, कबड्डी मैच हो गया, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हो गई, सारे मैचेस की फाइनल टीम मैं आपको इसी चैनल को फ्री में भेज देता हूं। चलो वापस आओ, यहां से मैं अपने भारत के चार बल्लेबाजों को लूंगा, क्योंकि संजू सैमसन मेनली को इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। जब भी इसको मौका मिला है नेशनल टीम के लिए, वहां पे इसने कभी भी परफॉर्म करके दिया नहीं है, और नेशनल टीम के लिए तो कभी अच्छा खेला ही नहीं है अपने भारत देश के लिए। हाँ, आईपीएल वगैरह में काफी सही परफॉर्म किया, रणजी ट्रॉफी वगैरह लो लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जितेश शर्मा मेनली ये एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि 10 से लेकर के 20 ही बॉल खेल पाएगा, क्योंकि हर बॉल पर चौके और छक्के मारने की कोशिश करता है। तो होता यह है कि जितेश शर्मा बल्लेबाजी सही करता है लेकिन हर मैच में 30 से लेकर के 40 रन बस इतने ही बना पाता है, कोई ना कोई एक गलत शॉट पड़ जाएगा वहां पे अपना विकेट थ्रो करके चला जाएगा। तो मजबूरी में मैं गुरबाज को ही लेकर के चलूंगा, जो कि अफगानिस्तान की टीम की ओर से बल्लेबाजी में ओपनर आएगा और ऐसा विकेट कीपर भी खेलने के पूरे चांस है। और अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आर गुरबाज आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, लेकिन अगर गुरबाज अगर इनकी टीम मैच चेस कर रही है तो वहाँ पे हो ये सकता है कि गुरबाज फ्लॉप भी हो जाए। बल्लेबाजी ऑप्शन आई जादरान इब्राहिम, जो कि अफगानिस्तान की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में नंबर 3 पे आएगा, स्लो खेलने वाला प्लेयर है, 20 ओवर का मैच है, लेकर के चल लेना, कोई इतना रिस्क मत लेना। एच जजई ने हालिया दिन में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी किया, लेकिन सामने अपने भारत जैसी टीम है, वो भी मैच अपने भारत में ही हो रहा है, यानी कि इनके लिए विदेश है, दूसरे देश में जा करके खेलना इतना आसान नहीं है। रहमत शाह मेनली जो है 50 ओवर का प्लेयर है, 20 ओवर में कैसा खेलेगा जरूरी नहीं है, एन जादरान को लेकर के चलने का सोचना ही नहीं है क्योंकि बल्लेबाजी क्रम काफ़ी नीचे है। ए ओमर जाई ने हालिया दिन में सभी को काफ़ी खुश किया है, सभी इससे काफ़ी खुश है क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, हर मैच में रन भी बना रहा है, बॉलिंग से भी आपको काफ़ी कमाल की बॉल कर रहा है, तो बल्लेबाजी में कई बार नंबर 4 पर भी आ रहा है, अब बॉलिंग से भी आपको ओवर करेगा। अब यहाँ पे आपको सोचना है, अगर आपको लग रहा है कि मैच बराबरी का होगा तो वहाँ पर मोहम्मद नबी वो प्लेयर है जो कि आपको 70 करीब पॉइंट्स ला करके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको 2 ओवर के करीब बॉल भी करेगा, क्योंकि मैच जो है ना मोहाली में हो रहा है, यहाँ पर स्पिनर का कोई इतना रोल नहीं रहेगा, लेकिन अगर सामने कोई लेफ्टी बल्लेबाज है अपने भारत के पास, जैसे कि आप देखोगे रिंकू सिंह हो गया, जैसे कि आप यहाँ से देखोगे तिलक वर्मा हो गया, वहाँ पर मोहम्मद नबी आपको कमाल की बॉल करके दे सकता है। मोहम्मद नबी जो है ऑफ ब्रेक बॉलर भी है, बल्लेबाज मेनली अभी हालिया दिन में थोड़े से फॉर्म में है, अगर अपने भारत की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वहाँ पर मैं अक्षर पटेल को लेकर के चल सकता हूँ, क्योंकि सेकेंड बॉल करते हुए वहाँ पर स्पिनर को थोड़ी सी बॉल स्पिन भी मिल सकती है, लेकिन आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान के पास भी काफ़ी स्पिनर भरे पड़े हैं, तो ये लोग स्पिनर पर काफ़ी अच्छा भी खेलते हैं, तो यही रीज़न है कि अभी मैं अक्षर पटेल को लेकर के नहीं चल रहा। और सीप सिंह हो गया, कुलदीप, अब यहाँ पे जरूरी चीज है कि रवि बिश्नोई वो मेरा रिस्की प्लेयर रहेगा, जिसको कोई ले या ना ले मैं लेकर के जरूर चलूंगा। अगर रवि बिश्नोई किसी के भी वजह खेल रहा है तो बिना कुछ भी सोचे अपने दोनों आंख बंद करो लेकर के चलो, रवि बिश्नोई ने कभी भी निराश नहीं किया, बस इसकी फील्डिंग सही हो जाए तो मुझे लगता है कि गजब का बॉलर बन जाएगा। रवि बिश्नोई कहीं से भी खराब बॉलर है ही नहीं, रवि बिश्नोई अगर खेलेगा तो विकेट टेकर बॉलर आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, मैं लेकर के जरूर चलने वाला हूं, वापस से कह रहा हूं। और अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉल कर रही है तो नवीन उलक और यहां से फैसल फरूकी, ये दोनों ही बॉलर है जो कि शुरू के ओवर्स में और आखिरी के ओवर्स में बॉल करेंगे, पावर प्ले यानी कि नई बॉल से भी यही दोनों बॉल करेंगे और डेथ में यानी कि आखिरी के ओवर्स में भी यही दोनों बॉल करने वाले हैं, यानी कि यहाँ से फैसल फरूकी मेनली अफगानिस्तान की टीम जब पहले बॉल करती है तो अच्छा करेगा, लेकिन अगर सेकेंड बॉल कर रही है वहाँ पर आपको रिस्क लेकर के चलना होगा। सेकेंड बॉल में आप नवीन उलक को लेकर के चल सकते हो, अभी मैं नवीन उलक को लेकर के चल रहा हूँ, अवेश खान को लेकर के चल रहा हूं, अभी के लिए मैंने ये टीम बनाया जिसमें एक दो चेंज हो सकता है। अगर मान लो कि अपने भारत की टीम पहले
बॉलिंग से कर रही है, यानी कि पहले बल्लेबाजी नहीं कर रही है, वहाँ पे रिंकू सिंह को ना लेकर के यहाँ पे मुकेश कुमार को ले सकते हो। अगर यहाँ से रवि बिश्नोई को खिलाया जा रहा है तो रवि बिश्नोई को ज़रूर लूँगा, चाहे उसके लिए मुकेश कुमार को ये लोग ना खिलाए या आवेश खान को ना खिलाए या फिर कुलदीप यादव, कोई भी अगर ना खेले, कोई भी एक रवि बिश्नोई खेल रहा है तो जो भी ऐसा होगा कि उसके बजाय खेल रहा है तो मैं उसी को लेकर के चल लूँगा। तो एक ये चेंज मेरी टीम में ज़रूर होगा जिसके लिए मैं टॉस का इंतजार करके चलने वाला हूँ। मेरा ये मानना है कि एच जजई को इतना अच्छा चॉइस नहीं रहेगा, एन जादरान भी नहीं है, तिलक वर्मा भी नहीं, यहाँ से संजू सैमसन भी कोई इतना घसब का प्लेयर नहीं है, जितेश शर्मा भी एवरेज प्लेयर है, और गुरबाज आपको अच्छा मेनली तब करेगा जब इसकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। यहाँ से मैं आपको कहूँगा मोहम्मद नबी आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, मोहम्मद नबी को आप लेकर के चल सकते हो। अगर अफगानिस्तान की टीम ऐसा लग रहा हो कि मोहम्मद नबी 2 से 3 ओवर बॉल करेगा, अगर ऐसा लगेगा कि मोहम्मद नबी 2 से 3 ओवर करेगा तो मैं नबी को लेकर के ज़रूर चलूँगा, ज़रूर चलने वाला हूँ, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि बॉलिंग से ओवर कम करेगा या फिर नहीं करेगा तो वहाँ पे मैं लेकर के नहीं चलूँगा। बॉलिंग ऑप्शन में अगर अफगानिस्तान में मुजीबुर रहमान के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेनली तभी अच्छा करेगा जब सामने कोई लेफ्टी बल्लेबाज होगा। भारत के ओपनर्स में आप देखोगे तो सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और मुजीबुर रहमान का मुझे कोई इतना चांस नहीं लग रहा कि अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अपने भारत में मैच है। मोहाली में स्पिनरों के लिए कोई इतना अच्छा स्पिन रहेगा भी नहीं, तो अभी मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पर मेनली कैप लेकर के चलने का सोच रहा हूँ ए उमरजाई को, वीसी लेकर के चलने का सोच रहा हूँ यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि अगर यहाँ से यशस्वी जायसवाल चल गया तब भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि सुमन गिल का बल्लेबाजी क्रम सही नहीं लग रहा, रोहित शर्मा पे इतना भरोसा करना सही नहीं लग रहा है क्योंकि सामने कमजोर टीम है, और जब सारी चीज़ें ये लग रहा हो कि रोहित शर्मा रन मारेगा ही, अगर ऐसा बार बार लगता है ना तो वहाँ पर फ्लॉपी हो जाता है। तो यही रीज़न है कि सामने इतनी कमज़ोर टीम है कि मुझे लग रहा है कि इतना फोकस लगा करके खेलेगा ही नहीं, तो यही रीज़न है कि मैंने रोहित शर्मा को थोड़ा सा दूर रखा है, इसका बल्लेबाजी क्रम सही नहीं है। और गुरबाज मेनली अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है आप इसको वीसी बना करके चल सकते हो। उमरजाई को इसलिए बनाया क्योंकि इस समय फॉर्म में भी है, बल्लेबाजी में भी रन बना रहा है, बॉलर भी कहीं से ख़राब नहीं है, तो इसी को वीसी बना करके चल रहा हूं। मेरा आवेश खान रिस्की प्लेयर है, रिंकू सिंह रिस्की प्लेयर है, नवीन उलहक भी हमारा रिस्की प्लेयर है, ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी ना वो मैं टॉस होने के बाद अपने राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि आपके पास लिंक भेज दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।